नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से मिल रही है। दरअसल वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अवधेश राय हत्याकांड पर बड़ा फैसला आया। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार दोषी करार हुआ है। 41 साल बाद फैसला आया। दोपहर 2 बजे के बाद सजा का ऐलान होगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अवधेश हत्याकांड पर यह फैसला आया। मुख्तार अंसारी दोषी करार हुआ है। 31 साल बाद बड़ा फैसला सामने आया है। दोपहर 2 बजे के बाद सजा का ऐलान भी होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। 31 साल इंतजार के बाद आखिरकार फैसला आया। दोपहर 2 बजे का इंतजार है। जल्द सजा का ऐलान भी होगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि अवधेश राय हत्याकांड में बड़ा फैसला सामने आया है। 31 साल पहले वाराणसी के चेतगंज में कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या के मामले में वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुरा बीर इलाके में कांग्रेस नेता अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की चार्जशीट, लंबी जिरह और गवाही के बाद कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के साथ पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव, राकेश नाइक को भी नामजद किया गया था। मुख्तार अंसारी ने इस केस से बचने के लिए कोर्ट से केस डायरी ही गायब करवा दी थी। लेकिन 31 साल के लंबे इंतजार के बाद अब दोपहर 2 बजे के बाद फैसला जो है सजा का ऐलान हो जाएगा। फैसला आ चुका है क्योंकि दोषी करार मुख्तार अंसारी हुआ। आपको बता दें कि 2 आरोपियों की इस पूरे मामले में मौत भी हो चुकी है। मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल और भीम सिंह गाजीपुर जेल में बंद है। 5वें आरोपी राकेश ने मामले में अपनी फाइल अलग करवा ली है। बीते 9 महीने मुख्तार अंसारी को 4 अन्य मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। यानी कि कुख्यात बाहुबली अब बचने वाला नहीं है। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार हुआ है। दोपहर 2 बजे के बाद सजा का ऐलान हो जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 31 साल पहले वाराणसी के चेतगंज में कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या के मामले में वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी राजकिशोर मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजकिशोर करो करेंगे। राजकिशोर, बड़ा फैसला, 31 साल का इंतजार, लेकिन आखिरकार जो पीड़ित हैं उनको जरूर आज इंसाफ मिला है। जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार ऐसे लोगों पर शिकंजा कसते हुए, उसी तरीके से आज जिस तरीके से मुख्तार अंसारी पर ये आरोप सिद्ध हुए हैं और एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। हालांकि भी 2 बजे इस पे महत्वपूर्ण तरीके से फैसला लिया जाएगा। और जिस तरीके से बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद है, वहां पर वीसी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें कोर्ट में पेशी की गई, उसमें उसके जरिए ही उन पर कानूनी कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया की गई। हालांकि देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरीके से बीते दिन अतीक के मामले को लेकर भी कहीं ना कहीं अतीक के मामले भी थे, जिस तरीके से उन पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा था, उसके बाद कहीं ना कहीं जितने भी उत्तर प्रदेश के माफिया हैं उन पर सभी पर लगातार यूपी पुलिस के साथ साथ यूपी एसटीएफ लगातार उन पर कार्रवाई कर रही है। और ऐसे में जिस तरीके से आज एमपी एमएलए कोर्ट पर ये फैसला सुनाया गया, 2 बजे के बाद सजा का ऐलान हो जाएगा, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? क्योंकि इस बार चूक का जरा भी सवाल नहीं उठता है। देखिए बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात अगर की जाए तो पुलिस प्रशासन पहले से सतर्क है और जो मुख्तार अंसारी हैं उन्हें कहीं ना कहीं अभी जेल में ही रखा गया है और उन्हें तब तक वहां से अलग नहीं रखा जाएगा, दूसरे जेल में तब तक नहीं किया जाए जब तक पूरी सिक्योरिटी और सब आगे का प्रबंधन नहीं किया जाएगा। हालांकि देखिए, किसी प्रशासन की तरफ से कोई भी चूक न रह जाए इसको लेकर पहले से ही पुलिस प्रशासन सतर्क है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस और उसके साथ साथ केंद्रीय की कई सुरक्षा लगाई गई है। अगर ऐसी कोई गड़बड़ी पाई जाती तो उसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार से कोर्ट के बाहर या कहीं भी किसी प्रकार से कोई भी बवाल ना हो और कि ऐसी कोई गतिविधियां ना की जाएं जो कि आम जनता को समस्या हो या कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाएं। जी बिल्कुल राजकिशोर, इसके अलावा देखिए, 31 साल का लंबा इंतजार और आखिरकार आज वो फैसले की घड़ी आ गई है। अगर हम देखें तो बीते कई महीनों में एक के बाद एक कई मामलों में मुख्तार अंसारी दोषी करार हुआ है। क्या लग रहा है आज किस तरह की सजा का ऐलान हो सकता है? क्या आजीवन कारावास?
देखिए बिल्कुल बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी पे आरोपों का सिद्ध हुआ है और इसको लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट में लगातार इसको लेकर बहस भी चली, जो इनके पक्ष के वकील थे और विपक्ष के वकील थे, दोनों की लगातार बहस चली। हालांकि उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने जो सजा सुनाई है और उसके बाद 2 बजे जो फैसला आना है उसमें मात्र तरीके से देखा जा सकता है कि इनको आजीवन कारावास हो सकता है। हालांकि इस पर अभी पूरी तरीके से पूरी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट जो है अपने फैसले को बरकरार रखेगा और किस तरीके से इस पर निर्णायक फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राजकिशोर, इसके अलावा देखिए इस केस में मुख्तार अंसारी सहित 5 लोग आरोपी हैं जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है, अलग अलग जेल में सभी आरोपी बंद हैं। क्या सभी को आज लाया जाएगा कोर्ट या फिर अलग अलग मौकों पर अलग अलग सुनवाई के दौरान सभी को लाया जाएगा? देखिए बिल्कुल बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सभी को एक साथ करना इस बार उचित नहीं होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी तो की है, अब कितना उसको लेकर तैयार है ये भी देखने वाली बात होगी। इसलिए ज्यादातर उम्मीदें ये की जा सकती कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही लोगों को पेशी की जाए, उसी के जरिए ही उन पर फैसला आएगा और फैसले के बाद उन्हें किस जेल में शिफ्ट करना है ये निर्णायक फैसला होगा। बिल्कुल राजकिशोर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखेगा, पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे आपसे। तो बड़ा फैसला, देशवाय हत्याकांड 31 साल बाद फैसला आया है। 2 बजे का इंतजार है क्योंकि 2 बजे के बाद मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान होगा।